हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में छात्रों से मोस्टली क्या गलतियां होती है, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, किस वजह से वे गलतियां होती है। फर्स्टली तो जो है, अलग अलग प्रकाशन की बुक ना पढ़े, उससे क्या होता है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैरायटी ऑफ कंटेंट हो जाता है, लेकिन आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाते हो, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही स्टैंडर्ड बुक उठानी है एक सब्जेक्ट के लिए और उसको बार बार जो है आपको रिवाइज करना है। सेकेंडली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले से नहीं पढ़ते हैं और लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वे अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। नींद पूरी न करना भी एक कारण होता है जिसकी वजह से वे अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में वे जो है नर्वस हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर उनको क्वेश्चन पढ़ करके ऐसा लगता है कि वे नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वे नर्वस में जो क्वेश्चन उनसे आते हैं उनको भी गलती कर देते हैं। एग्ज़ाम के बाद अपने फ्रेंड्स से आप कंपेयर नहीं करेंगे, ना ही कोई डिस्कशन करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ या फिर उनके एग्ज़ाम के आंसर्स में उन्होंने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, क्योंकि उस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम अभी हो चुका है तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। कई बार क्या होता है, नींद पूरी न होना या रिवीजन की कमी के कारण स्टूडेंट्स सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वे पर्सन ही गलत पढ़ लेते हैं जल्दीबाजी में। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका आंसर भी वे गलत लिख देते हैं, जिसके कारण वे मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते हैं या कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है, रिवीजन की कमी के कारण गलतियां कर बैठते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अमेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन की वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।